गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव कम फॉर माय वन ऑफ माय वीडियोस। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है, आई प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव गॉट अ फ्लुएंट इंग्लिश, बट टुडे ऑन पब्लिक डिमांड आई वुड लाइक टू से दिस वीडियो एंड स्पीक दिस वीडियो इन हिंदी लैंग्वेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, अक्सर हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आती हैं कोर्ट मैरिज, मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेके, जिसमें अक्सर लव मैरिजेज इन्वॉल्व होती हैं। तो अब फ्रेंड्स, लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज जिसमें पेरेंट्स की सहमति नहीं होती है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते कि आपको उस लड़के से या उस लड़की से शादी करनी है या नहीं करनी है, तो उस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली दो एक्ट्स इसमें मेजरली इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेकेंड इज स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8 काइंडली सी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें कि कंडीशंस ऑफ अ मैरिज दी गई हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज दिया गया है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटेंडेड मैरिज का नोटिस दिया गया है ADM को, या जो कंसर्न अथॉरिटी है SDM और ADM। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को, या जो मेरे पास कोर्ट मैरिज की कंसल्टेशन के लिए आते हैं या मैरिज रजिस्ट्रेशन की कंसल्टेशन के लिए आते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अक्सर मैंने ये देखा है कि उनकी शादी अभी नहीं हुई होती, उनका सॉर्ट ऑफ अफेयर होता है या लाइकिंग होती है एक दूसरे के टूवर्ड्स, या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, इस तरह कोई रिलेशन होता है, और उनके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे होते शादी के टूवर्ड्स। तो पहला सवाल मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप लोग रहते कहाँ पे? अगर दिल्ली रहते हैं तो लड़का या लड़की दोनों में से एक पार्टी जो है वो उस स्टेट को बिलोंग करनी चाहिए जिस स्टेट में आप अपनी मैरिज करना चाह रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई पुट। तो लड़का या तो दिल्ली का हो या लड़की दिल्ली की हो, या फिर अगर आपको से UP में या हरियाणा में शादी करनी है तो एक पार्टी वहां की हो तो वहां आप मैरिज कर सकते हैं। दूसरा सवाल मैं उनसे ये करता हूं मोस्टली कि आपको कोर्ट मैरिज करनी है या मैरिज करके रजिस्टर करवानी है। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है फ्रेंड्स। दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? कोर्ट मैरिज जो है वो एक इंटेंडेड मैरिज है जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर होगी। उसके अंदर आप एक एफिडेविट बनाएंगे, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो बनाएंगे, और आप विद विटनेसेस विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आप कंसर्न SDM या ADM को अपनी कोर्ट मैरिज अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर ऑब्वियसली। वंस यू अप्लाई, जब आप एप्लीकेशन आपकी रेडी होगी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आप जब अप्लाई करेंगे SDM या ADM में, तो वो आपको एक महीने का टाइम पीरियड देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में SDM जो है वो जो नोटिस इशू करेगा कि आप जो फॉर्मेट यूज करेंगे उसमें आप बताएंगे कि आप कोई ऐसे रिलेशन में तो नहीं है कि आपकी शादी नल एंड वॉइड हो, सपोजिटली आप ब्रदर सिस्टर तो नहीं है, या आप स्पिंदास तो नहीं है, या आपकी पहले शादी तो नहीं हुई है, या आपकी कोई सेकेंड मैरिज तो नहीं है। इस तरह की कुछ आपकी कंडीशंस हैं जो फुलफिल आपको करनी पड़ेंगी मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी, और आपकी एज वैलिड एज है कि नहीं है मैरिज के लिए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं SDM में, तो आपको एक महीने का टाइम मिलता है। एक महीने के टाइम में SDM अपने ऑफिस के बाहर वो नोटिसेस पेस्ट करवाता है, एफिक्स करवाता है वो नोटिसेस, और किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो उस मैरिज के टूवर्ड्स वो SDM या ADM को बता सकता है। पहले ये लॉ था कि SDM विल सेंड नोटिसेस टू द हाउसेस, जो आपने एड्रेसेस दिए हैं अपने परमानेंट, वहां पे नोटिसेस जाएंगे, बट वो लॉ अब चेंज हो गया है और अब सिर्फ वो नोटिस जो होता है वो एफिक्स होता है SDM के वॉल पे। जब वो एक महीने का टाइम पूरा हो जाता है तो आप द ग्रूम एंड द ब्राइड, लड़का और लड़की, अपने दो या तीन विटनेसेस के साथ SDM या ADM ऑफिस में जाएंगे, वहां अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे,
एंड रजिस्टर में सिग्नेचर्स के बाद आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड कोर्ट मैरिज. नाउ टॉकिंग अबाउट मैरिज रजिस्ट्रेशन. मैरिज रजिस्ट्रेशन में आप ऑलरेडी किसी गुरुद्वारे में, आर्य समाज मंदिर में, या फिर किसी भी पंडित के द्वारा, किसी भी पंडित के थ्रू आप एक शादी करते हैं जिसमें आप 7 फेरे लेते हैं, जयमाला करते हैं और सिंदूर लगाते हैं. जो 2-3 हिंदू मैरिज की कंडीशंस हैं वो पूरी करते हैं. वो दिल्ली में हो सकती है या किसी और सिटी में हो सकती है, कंसर्निंग सिटी का नहीं है. जहाँ जिस सिटी में आपने वो मैरिज करी है 2 विटनेसेस के साथ, वो आर्य समाज मंदिर या गुरुद्वारा आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि इस मंदिर या गुरुद्वारे में आपकी शादी इस डेट को हो गई है. नाउ अब सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बारी आती है. उसमें ये लिखा है कि जिस दिन आपकी शादी हो गई है उसके 3 महीने में आपने मैरिज रजिस्टर करवानी है. रजिस्टर कैसे करवाएंगे? आप अपनी शादी का कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आपका मोस्टली 10th का सर्टिफिकेट होता है जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और लॉयर से बना हुआ एफिडेविट और लॉयर से चेक्ड फॉर्म, ये सब आप SDM में अप्लाई करेंगे. साथ में आपकी जयमाला करते हुए फोटो, 7 फेरे लेते हुए फोटो, सिंदूर लगाते हुए फोटो, उसकी कॉपी भी साथ में लगाएंगे. वो जब आप अप्लाई कर देंगे तो कोर्ट आपको, SDM कोर्ट आपको एक कन्वीनियंट डेट देगा जो कि आप लॉयर के थ्रू अप्लाई करेंगे. कोर्ट आपको एक कन्वीनियंट डेट देगा जिस दिन आप कोर्ट के आगे पेश होंगे. आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, आप अपनी फोटोग्राफ दिखाएंगे, कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा. आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप शादी करके एक साथ रह रहे हैं, ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड कोर्ट मैरिज, जो कि अक्सर लव मैरिज कपल या इंटरकास्ट कपल्स कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो चीज़ों में. तो ये इस क्लैरिटी को मैं बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि फ्यूचर में कोई भी क्वेरी हो तो आप ये वीडियो देख के अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं. और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता शादी ना करने, शादी करने से. अगर आप लड़का और लड़का लड़की अगर राजी हैं, उनके 2-3 फ्रेंड या रिश्तेदार उनके साथ विटनेस बनने को तैयार हैं, तो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना कि आप शादी नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ. और दूसरा, कोर्ट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. अगर आपको कोई थ्रेट है तो उसके लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है. और अगर आपको थ्रेट है कि आपकी प्रॉपर्टी पे राइट नहीं है, तो उसके लिए आप स्टे भी ले सकते हैं कि आपका प्रॉपर्टी से आप डीबार हो रहे हैं. बट वो डिपेंड करता है कि दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ योर पेरेंट्स. सो इसमें बहुत सारे और भी लीगल लेकुनाज हैं, लीगल क्वेरीज हैं जो लोगों की होती है, जो कि मैंने मोस्टली आपको बता दी हैं. अगर अगली कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प. मैं आपकी मदद जरूर करूँगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.